हेलो दोस्तों, आज मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर 7 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, वो क्वेश्चन जो पेपर में आते ही आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे समझ लेना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। पहले इस चैप्टर का हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तल के अंदर हमारे पास ये दो एक्सेज हैं, एक एक्स एक्स और एक वाई एक्स। ये इनका ओरिजिन है, केंद्र है। यहाँ पर एक्स और वाई के मान होंगे, जो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के जो मान होंगे वो जीरो जीरो होंगे। किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी कहलाएगी एक्स निर्देशांक या भुज, और किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी कहलाएगी वाई निर्देशांक या कोटि। यहाँ पर हमने कोई बिंदु लिया है ये ए, तो इस बिंदु की वाई एक्स से दूरी, ये वाई एक्स है, इससे इसकी दूरी है, ये कहलाएगा इसका एक्स निर्देशांक या भुज। इसी प्रकार इस बिंदु की, बी बिंदु की इस एक्स एक्स से जो दूरी है वो कहलाएगा इसका वाई निर्देशांक या कोटि। इसके बाद हम करते हैं दूरी सूत्र। कोई दो बिंदु दिए हुए हमें ए और बी, इसके निर्देशांक हैं एक्स एक और वाई एक, इस बिंदु के निर्देशांक हैं एक्स दो वाई दो। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या है कि जो ए बी दूरी होगी इन दो बिंदुओं के बीच की, वो बराबर होगी वर्गमूल इसका एक्स निर्देशांक घटा इसका एक्स निर्देशांक, एक्स दो घटा एक्स एक का वर्ग जमा बी का वाई निर्देशांक घटा ए का वाई निर्देशांक, वाई टू घटा वाई वन का वर्ग। ये हो जाएगा दूरी सूत्र। इससे हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब यहां पर ए और बी दो बिंदु हैं, इस दो बिंदुओं को कोई बिंदु बीच में पी ले लिया हमने, पी बिंदु है, वो इस ए बी रेखाखंड को एम वन अनुपात एम टू के अंदर विभाजित करता है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, यानी x और y क्या होंगे, वो कैसे निकालेंगे। देखिए, x जो हमारा होगा इस बिंदु P का, जो इस रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो इस बिंदु P के जो x और y है, यानी बिंदु P का जो x निर्देशांक है वो हो जाएगा m1 गुणा x2 जमा m2 गुणा x1 बटे m1 जमा m2। ये है इसके x का मान, x निर्देशांक का मान। इसी प्रकार y हो जाएगा m1 गुणा y2 जमा m2 गुणा y1 बटे m1 जमा m2। ये हो जाएगा इस बिंदु P का y निर्देशांक या कोटि। तो इस तरह से हम विभाजन सूत्र से किसी रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। आगे इस चैप्टर में आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ये हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए के निर्देशांक ले लिया हमने एक्स वन वाई वन, बी के निर्देशांक हैं एक्स टू वाई टू और सी के निर्देशांक हैं एक्स थ्री वाई थ्री। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो हो जाएगा 1/2 एक्स वन गुणा, अंदर आएगा वाई टू घटा वाई थ्री जमा एक्स टू वाई थ्री घटा वाई वन जमा एक्स थ्री वाई वन घटा वाई टू। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। इसको हमें याद करना पड़ेगा, 1/2 एक्स वन गुणा वाई टू घटा वाई थ्री जमा एक्स टू वाई थ्री घटा वाई वन जमा एक्स थ्री वाई वन घटा वाई टू। इसको याद कैसे करना है, शुरू में एक्स वन लेंगे,
इसके बाद आएगा टू और थ्री, बाहर आएगा एक्स निर्देशांक, अंदर आएंगे वाई निर्देशांक। फिर यहाँ पर एक्स टू, टू के बाद थ्री वन वाई के, फिर एक्स थ्री, अंदर आएगा वन टू। तो इस तरह से इसको हमें याद करना है। इस सूत्र की सहायता से हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसके निर्देशांक हमें दिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेखी हैं। बिंदु संरेखी कब होंगे? संरेखी का मतलब बिंदु एक ही रेखा में हो, जैसे इस तरह से बिंदु, ये तीन बिंदु हैं, ये संरेखी का मतलब है कि तीनों एक ही रेखा में हो, इस तरह से। तो बिंदु संरेखी कब होंगे, अब इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो बिंदु संरेखी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और ये क्या है सी। ये बिंदु संरेखी होंगे यदि हम ये दिखा दें कि ए बी जमा बी सी बराबर है ए सी। ए बी और बी सी का जो जोड़ है वो ए सी के बराबर है। ए बी दूरी जमा बी सी दूरी बराबर होगी ए सी दूरी के बराबर। तो हम कह देंगे कि बिंदु क्या है, संरेखी है, एक ही रेखा में है। अगर बिंदु संरेखी नहीं होंगे, बिंदु एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो उस केस में ये बराबर नहीं होंगे। ए बी की दूरी, ये ए बी की दूरी और बी सी की दूरी का जोड़ ए सी के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे क्या ए बी और बी सी का जोड़ ए सी के बराबर है या नहीं है। मान लेते हैं कि माना बिंदु ए बी दो तीन और इसको हमने मान लिया सी माइनस दो माइनस 11। हम यहाँ से ए बी निकालेंगे पहले। ए बी दूरी सूत्र से ए बी हो जाएगा वर्गमूल दो घटा एक का वर्ग जमा तीन घटा पाँच का वर्ग। ये आएगा वर्गमूल एक का वर्ग जमा घटा दो का वर्ग बराबर एक जमा चार वर्गमूल पाँच। अब निकालेंगे हम बी सी। ए बी निकाले हमने, बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर होगा माइनस दो का वर्ग जमा माइनस के ग्यारह और माइनस तीन इसका वर्ग बराबर माइनस चार का वर्ग जमा घटा ग्यारह घटा तीन हो जाएगा माइनस के चौदह का वर्ग बराबर सोलह जमा एक सौ छियानवे का वर्ग। ये आ जाएगा हमारे पास 212। अब निकालेंगे हम ए सी। माइनस दो माइनस एक का वर्ग जमा माइनस ग्यारह माइनस पांच का वर्ग बराबर माइनस तीन का वर्ग जमा माइनस सोलह का वर्ग बराबर नौ जमा 256। ये आ जाएगा हमारे पास, जोड़ेंगे इसको, ये आ जाएगा 265 वर्गमूल। अब यहाँ से ए बी जमा बी सी हम करेंगे तो ये आएगा वर्गमूल 5 जमा 212 का वर्गमूल, और ये बराबर नहीं है 265 वर्गमूल के, या कह देंगे बराबर नहीं है ए सी के। तो ए बी जमा बी सी बराबर नहीं है ए सी के, इसलिए बिंदु संरेखी नहीं होंगे, क्योंकि ए बी और बी सी इन दोनों का जोड़ ए सी के बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस दो 6 4 और 7 माइनस दो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पर हम ये दिखा दें कि इनमें से कोई भी लंबाई, दो लंबाई क्या है बराबर, तो त्रिभुज क्या हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इनको हम नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी। पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी क्या हो जाएगा दूरी सूत्र से,
6 घटा 5 का वर्ग जमा 4 घटा 2, यानी 4 जमा हो जाएगा ये वर्ग और इसका वर्गमूल। 6 घटा 5 1 का वर्ग जमा 6 का वर्ग, ये हो जाएगा 1 जमा 36 वर्गमूल 37। अब निकालते हैं बीसी, 7 घटा 6 का वर्ग जमा घटा 2 घटा 4 वर्ग, ये आएगा 1 का वर्ग जमा -6 हो जाएगा ये वर्ग बराबर 1 जमा 36 वर्गमूल 37। अब यहां से देखो ए बी और बी सी दो हम निकाल लिए, अब निकालेंगे हम ए सी। 7 घटा 5 का वर्ग दूरी सूत्र से घटा दो यानी कि हो जाएगा घटा के 2 जमा 2, इसमें से ये घटेगा तो जमा हो जाएगा, ये आएगा 2 का वर्ग जमा 0, ये आएगा वर्गमूल 4 या 2। अब यहां से देखो ए बी बराबर है बी सी, दो भुजाओं की लंबाई क्या आ गई बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि वह एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर हो। अब एक्स एक्स के ऊपर कोई बिंदु होगा तो उस बिंदु का जो एक्स निर्देशांक है वो तो एक्स ही होगा और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर हर जगह वाई निर्देशांक क्या होता है 0। तो हम यह मान लेंगे अब ये बिंदु सी है, ये ए बी से ये बिंदु सी है कोई, ये है ए और ये है बी, तो ये इन बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो ये दूरी क्या होगी, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो हम पहले निकालेंगे ए सी दूरी सूत्र से, ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे, एक्स का वर्ग जमा 2 का वर्ग 4 माइनस 2ab 4x ए माइनस बी का स्क्वेयर, इस सूत्र से यह आएगा 5 का वर्ग 25 एक्स की 2 घटा 4x 25 और 4 29, ये आ जाएगा। अब निकालेंगे हम बी सी, बी और सी, एक्स घटा घटा 2x जमा 2 का वर्ग जमा 0 घटा 9 का वर्ग बराबर ए जमा बी का वर्ग, सूत्र लगाएंगे एक्स का वर्ग जमा 2 का वर्ग 4 जमा 2ab 4x जमा -9 का वर्ग 81 एक्स की 2 जमा 4x 81 और 4 85, ये आ जाएगा हमारे पास ए सी और बी सी का मान। अब ये दोनों समदूरस्थ हैं तो इनको बराबर रखेंगे, दोनों दूरियां बराबर हैं दी हुई है समदूरस्थ, क्योंकि ए सी बराबर बी सी, इसलिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल है ये हट जाएगा, इधर बचेगा एक्स की 2 घटा 4x जमा 29 बराबर एक्स की 2 जमा 4x जमा 85, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे दोनों को, इधर है 4x जमा 85, इधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस,
बराबर जीरो। आगे हल कर लेते हैं इसको, 4x जमा 4x 8x 85 घटा 29, ये बचेगा 56 बराबर जीरो। यहाँ से 8x बराबर घटा के 56, या ये कहें कि x बराबर घटा 56 बटे 8, 7 माइनस के बच जाएंगे, x का मान आ गया माइनस 7। तो हमारा बिंदु है वो हो जाएगा x x पर बिंदु होगा 7 सॉरी घटा 7 0। तो x x पर बिंदु हो जाएगा घटा 7 0, उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे घटा 7 और 0। अगला क्वेश्चन करते हैं, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 बटा 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमें y का वह मान ज्ञात करना जिसके लिए इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 हमें दी हुई है। तो हम पहले P की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, 10 घटा 2 का वर्ग जमा y घटा घटा 3 यानी y जमा 3 का वर्ग। P क्या हो निकालेंगे यहां से, ये आएगा 8 का वर्ग जमा a जमा b का वर्ग, a का वर्ग जमा b का वर्ग 3 का वर्ग 9 जमा 2ab, 2 गुणा y गुणा 3 6y बराबर, ये आ जाएगा y की 2 जमा 6y जमा 64 और 9 73। अब पी क्यू दे रखे हमें 10, दूरी है 10 मात्रक, क्योंकि पी क्यू बराबर है 10, इसलिए y की 2 जमा 6y जमा 73 वर्गमूल बराबर 10। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, y की 2 जमा 6y जमा 73 बराबर 10 का वर्ग 100। हमने दोनों तरफ वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग किया है, तो ये वर्गमूल यहाँ से हट जाएगा, यहाँ वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा y की 2 जमा 6y, इसको इधर लेके आएंगे माइनस के बच जाएंगे 27 बराबर 0। अब इसके हम टुकड़े करेंगे, y का मान निकालेंगे यहाँ से, y की 2 जमा इसको लिख सकते हैं हम 9y घटा 3y बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे y जमा 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आएगा, y जमा 9 बराबर 0, y जमा 9 दोनों में इसको कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा y घटा 3 बराबर 0, या तो y जमा 9 बराबर 0 होगा या फिर y घटा 3 बराबर 0। यहाँ से y का मान आएगा घटा के 9 और यहाँ से y का मान आ जाएगा 3। y के हमारे पास दो मान आए माइनस 9 और 3, तो y के मान हो जाएंगे माइनस 9 व 3। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदुओं 3 6 और माइनस 3 4 से समदूरस्थ हो। हमें यहाँ पर x और y में कोई संबंध बताना है, दिया हुआ क्या है कि जो xy है ये इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है, या ये कह सकते हैं कि इस बिंदु की इन दोनों से दूरी क्या है बराबर। तो मान लेते हैं इसको कोई बिंदु मान लेते हैं, हमने इन बिंदुओं को नाम दे दिया ए बी व सी। अब ये जो बिंदु है ए, ये इन दोनों से क्या है समदूरस्थ है, तो हम पहले निकालेंगे दूरी ए बी, एक्स घटा 3 का वर्ग जमा वाई घटा 6 का वर्ग, हल करेंगे इसको, ए माइनस बी का वर्ग सूत्र लगाएंगे, ए माइनस बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग जमा बी का वर्ग घटा 2ab, ये सूत्र होता है। तो x का वर्ग जमा 3 का वर्ग घटा 2ab यानी
6x जमा y का वर्ग जमा 6 का वर्ग 36 घटा 2 गुणा वाई गुणा 6 12y। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे। x की 2 जमा y की 2 घटा 6x घटा 12y 36 जमा 9 45 ये आ जाएगा। इसी तरह हम निकाल लेंगे हम इसकी दूरी c से यानी ac। x घटा घटा 3 यानी x जमा 3 का वर्ग y घटा 4 का वर्ग a जमा b का वर्ग लगाएंगे यहाँ पर। a का वर्ग x का वर्ग जमा 3 का वर्ग 9 जमा 6x जमा a माइनस b का वर्ग y की 2 जमा 4 का वर्ग 16 घटा 8y। x की 2 जमा y की 2 जमा 6x घटा 8y 16 जमा 9 25। अब क्योंकि ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, क्यों? क्योंकि जो बिंदु ए है ये इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। ए बी दूरी और ए सी दूरी क्या है, बराबर। इन दोनों को बराबर रखेंगे हम क्योंकि बिंदु ए समदूरस्थ है, इसलिए ए बी बराबर होगा ए सी। ए बी हमारे पास है एक्स की 2 जमा वाई की 2 घटा 6x घटा 12y जमा 45 वर्गमूल बराबर ए सी। ए सी है एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा 6x घटा 8y जमा 25। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग करने से वर्गमूल हट जाएगा, बच जाएगा एक्स की 2 जमा वाई की 2 घटा 6x घटा 12y जमा 45 बराबर एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा 6x घटा 8y जमा 25। एक्स की 2 से एक्स की 2, वाई 2 से वाई की 2 कैंसिल हो जाएगा। इनको हम उधर लेके जाते हैं, 6x उधर जाएगा जमा का 6x उधर है माइनस 8y उधर जाएगा प्लस के 12y जमा 25, ये माइनस हो जाएगा 45 बराबर 0। 12x जमा 4y घटा 20 बराबर 0। इसको हम 4 से भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा 3x जमा y घटा 5 बराबर 0, या ये कह सकते हैं 3x जमा y बराबर 5। ये हो जाएगा x और y में संबंध कि x का 3 गुणा जमा y बराबर है 5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं माइनस 3 10 और 6 माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस 1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। माइनस 3 10 ये बिंदु P है और ये बिंदु है यहाँ पर Q। इसके निर्देशांक हैं 6 माइनस 8। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड हो जाएगा पी क्यू। इसको बिंदु माइनस 1 6, ये कोई इसके ऊपर बिंदु ले लिया हमने, यहाँ पर ले लेते हैं हम कहीं पर भी आर बिंदु। इसके निर्देशांक हैं माइनस 1 और 6। तो बिंदु जो आर है वो इस पी क्यू रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि मान लेते हैं कि ये इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तब यहां पर हम विभाजन सूत्र लगाएंगे और के का मान निकालेंगे। विभाजन सूत्र से बिंदु बिंदु R का जो निर्देशांक है x वो माइनस 1 है और जो y निर्देशांक है वो 6 है। तो यहाँ से बिंदु R का जो x निर्देशांक है माइनस 1 वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा k गुणा 6 6 के जमा 1 गुणा माइनस 3।
बटे के जमा एक। इसी प्रकार इसका जो y निर्देशांक है वो 6 है, वो बराबर होगा k गुणा माइनस आठ के जमा एक गुणा दस, दस बटे k जमा एक। इनमें से किसी एक को हल कर लेंगे, इसको हल कर लेते हैं, r पर गुणा कर देंगे, माइनस आठ के जमा दस बराबर 6 गुणा के जमा एक, माइनस आठ के जमा दस बराबर 6 के जमा 6। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, उधर ले जाते हैं इसको, 6 के जमा आठ के जमा 6 घटा 10 बराबर 0। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 14 के घटा 4 बराबर 0, ये कहें कि 14 के बराबर 4, और के बराबर हो जाएगा 4/14 या 2/7, के का मान आ गया 2/7। जो अनुपात होगा वो हो जाएगा, के अनुपात एक लिया था हमने, के का मान है 2/7 अनुपात एक, या दोनों तरफ हम 7 से गुणा कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, आ जाएगा 2/7। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये बिंदु है ये, इसको 2/7 में विभाजित करेगा।